ये फॉर्मेट में कभी भी आपको इंटीग्रेट दिखे मतलब देखो न्यू मरेटर में लीनियर फंक्शन है पी एक्स प्लस क्यू इधर भी देखो पीएक्स प्लस क्यू डिनिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन या स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन आया तो क्या करने का इसके लिए एक सब्सटूशन लेना पड़ेगा ये बेसिक क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन आपको सभी को अच्छी तरह से आना चाहिए और ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन कंप्लीटिंग स्क्वायर यू स्टडीड इन टेंथ क्लास चलो ये केस में हमारा को क्या करना चाहिए जो दो इंटीग्रेंट्स दिया है ये फॉर्मेट या ए फॉर्मेट इधर नीचे रूट नहीं है इधर नीचे रूट है बट बाकी सारे प्रोसीजर सेम टू सेम है सो न्यू को हमने ऐसा लिखना ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज क्वाड्रेटिक सो लीनियर फंक्शन न्यूमरेटर को हमने कैसे लिखना ए so, इंटू का डेरिवेटिव प्लस बी डिनोमिनेटर मतलब जो क्वाड्रेटिक के उसका डेरिवेटिव प्लस बी तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टू ए एक्स प्लस बी हो जाएगा तो देखो कैपिटल ए इंटू टू ए एक्स प्लस बी प्लस कैपिटल बी इससे आपको इजीली पता चलेगा देखो इधर एक्स का क्वेश्चन कितना था टू कैपिटल ए स्मॉल ए इज टू पी तो इधर से कैपिटल ए वैल्यू आ जाएगा पी अपॉन देखो इधर कैपिटल ए वैल्यू आ जाएगा पी अपॉन उसके बाद ए कैपिटल सॉरी कैपिटल ए इंटू बी प्लस कैपिटल बी इजीकोल्ड हो जाएगा क्यों कॉन्स्टेंट कंपेयर करो देखो पहले मैंने एक्स कंपेयर किया अभी उसके बाद कॉन्स्टेंट ये दोनों कॉन्स्टेंट है इधर बी है इधर इसको A, A को B से मल्टीप्लाई कर तो कैपिटल ए इंटू बी है प्लस बी इजिकॉल्ड क्यू ओके कंपेयर करके ए वैल्यू उसमें रखे तो बी आ जाएगा आपको अभी ये केस में आने के बाद देखो अभी ये जो न्यूमरेटर है इसको ऐसा लिख रहा ए इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बाई डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू देखो कैपिटल बी इंटू वन अपॉन इधर रूट लगेगा बस वही फर्क है ठीक है इसको आगे हमने क्या करना कैसे करना देखते हैं। <coughs> देखो पहला आया है इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर देखो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आया है तो इसको क्या करने का न्यूमरेटर इज देखो ए इंटू का डेरिवेटिव प्लस बी लिखने का था तो लिख दिया इनोमिनेटर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 2x 3 देखो इधर लिखा 18 का तो जीरो। अभी उसके बाद कंपेयर करने का ये बी वैल्यूज आने के बाद इंटीग्रेशन करने का कैसे करना है अब देखते हैं अब देखो देखो कंपेयर कर दिया था कंपेयर करें तो मुझे ए वैल्यू देखो इधर x का क्वेश्चन कितना था 2a था इधर x का क्वेश्चन 2 था सो so, 2a 2 करते a वैल्यू 1 आया इधर कांस्टेंट क्या था a 3 दैट इज 3a b था देखो थ्री ए प्लस बी था कैपिटल बी था इधर सॉरी कैपिटल बी इसी था माइनस थ्री माइनस थ्री रख दिया सो so, इधर से बी वैल्यू आपको आएगा देखो ये थ्री ए ए वैल्यू वन था वन रखे तो इधर आ जाएगा थ्री ए प्लस थ्री उधर गए तो माइनस थ्री बी वैल्यू माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स हो जाएगा अभी क्वेश्चन देखना ये क्वेश्चन था इधर देखो ए इंटू न्यूमरेटर ए वैल्यू कितना था वन आया तो वन इंटू का डेरिवेटिव एज इट इज लिखा प्लस बी बी का वैल्यू कितना है माइनस सिक्स देखो माइनस सिक्स अब देखो इसके इन शॉर्ट सीधी सी बात है आपको मतलब ये सारे कहानी नहीं करना है तो अब देखो डिनोमिनेटर दिना, का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आना चाहिए वो सेटिंग कर दो आप तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो टू एक्स टू एक्स तो, तो डायरेक्टली आ तो 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 गया उसके बाद प्लस थ्री होना था बट इधर क्या दिया था माइनस थ्री आप क्या करो प्लस थ्री रखो माइनस थ्री करो मतलब ऐड और सब ट्रैक्ट थ्री करें तो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री सेपरेट तो करो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था न्यूमरेटर में है तो उसका आंसर हो जाएगा लाग ऑफ डिनोमिनेटर तो ये पहला वाला टर्म का लाग ऑफ एक्स स्क्स थ्री एक्स माइनस एटीन हो जाएगा उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करने का है देखो पहले वाला तो ये हो जाएगा और सेकंड वाला जो है इसको कंप्लीटिंग कर So, क्या करने का इधर ए एज इट इज एक्स स्क्स टू इंटू एक्स इन थ्री बाई टू करने का क्योंकि इधर टू रखा था मैंने टू से डिवाइड कर ओके प्लस बी स्क्र तो इधर बी के जगह थ्री बाई टू पता चला तो बी स्क्र नहीं है तो ऐड और सब करो देखो नाइन बाई फोर को ऐड किया सब ट्रैक्ट किया माइनस एटीन है से. अब देखो, ये थ्री टर्म्स हो जाएगा एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर ये सिंप्लीफाई करो देखो फोर्टीन एटीन फोर जा सेवेंटी टू

अपान एक्स माइनस ए देखो एक्स माइनस ए सॉरी एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए देखो एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए रख दिया तो एक्स प्लस थ्री बाई टू माइनस नाइन बाई टू बाई एक्स प्लस थ्री बाई टू प्लस नाइन बाई टू इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर आसान लिया जाएगा बट इधर आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन वन अपॉन टू ए इंटू लाग मार्ड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए ठीक है इसको सिंपलीफाई करते तो हुए आंसर आ जाएगा बहुत आसान क्वेश्चन है ठीक है या ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अब देखो इधर न्यूमरेटर में भी मतलब करो, पिछले कैसा था? वो प्रॉपर फ्रैक्शन था ये इम्प्रॉपर है तो जब भी आपको इम्प्रॉपर आए तो इसको डिवाइड करो जो नॉर्मल डिविजन यूक्लिड अलगाजन अलग से डिवाइड करो डिवाइड करे तो देखो क्वेश्चन इजीली पता चलेगा दोनों सेम आ रहे तो इसका क्वेश्चन मतलब न्यूमरेटर में एक्स डिनोमिनेटर में एक्स स्क् का दोनों वन है तो आपको क्वेश्चन वन आ जाएगा उसके बाद रिमाइंडर आ जाएगा टू एक्स प्लस वन बाई डिजर अब देखो ये वाला पार्ट को अपने इंटीग्रेशन करने का ये वाला जो पार्ट है इसको इसको सेम टू सेम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो सेम ए इंटू डिनिनेटर का डेरिवेटिव प्लस बी ऐसा ए बी वैल्यू स्पाइंड करो पिछले क्वेश्चन में जैसा किया था वैसा अब देखो ये क्वेश्चन था अब मैंने टू एक्स प्लस वन को क्या लिया था ए इंटू डिनिनेटर का डेरिवेटिव लिया प्लस बी डीमिनेटर का डेरिवेटिव कितना होता है टू एक्स प्लस थ्री अब देखो टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इधर भी मैंने बोला था आपको इसको आपको ये सारे कहानी नहीं करना है तो डिनामिनेटर का डेरिवेटिव को न्यूमरेटर में सेट कर दो डिनिनेटर का डेरिवेटिव कितना था टू एक्स प्लस थ्री था बट इधर कितना है टू एक्स प्लस वन है तो टू ऐड करके सब कर दो बस वही आ जाएगा आपको देखो ए, ए तो एज इट इज था लिखा देखो इसको डिवीजन कर दिए तो क्वेश्चन वन आया रिमाइंडर आया अभी इसको मैंने फैक्टर इसका मतलब पार्सल फ्रैक्शन करो देखो न्यूमरेटर को मैंने क्या किया था प्लस टू ऐड करके माइनस टू सब किया था बस सिंपल सी बात है अभी डिनिनेट देखो वन का इंटीग्रेशन तो एक आएगा डिनमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर तो लाग ऑफ डिनमिनेटर आ जाएगा पहला दो टर्म्स तो हो जाएगा माइनस इसमें से टू कामन ले लो इसको Completing square, same procedure. इससे पहले हमने क्वेश्चन में किया था इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक्स प्लस थ्री बेटू का होल स्क्वायर माइनस वन बाईट देखो इधर टू से मल्टीप्लाई करके सब डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा एक्स प्लस थ्री बाईटू का होल स्क्वायर माइनस नाइन बाई फोर हो जाएगा प्लस टू टू माइनस नाइन बाई फोर हो जाएगा वन बाई फोर दैट इज वन बाई टू का स्क्वायर ए टेंथ क्लास में कम्प्लीटिंग स्क्वायर किया है उसे थोड़ा प्रैक्टिस करना बेटा क्वेश्चन को तो कम्प्लीटिंग स्क्वायर कैसे करना इसे पता चलेगा अब देखो, 1 square, अभी तो फार्मूला पढ़ लाइन बाई टू एंटू लाग मार्ड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए तो देखो ए टू एज इज तो इधर एक्चुअली आ जाएगा टू ए होना चाहिए इधर एक्चुअली ये मिस हो गया अपॉइंट टू ए वन अपॉन वन बाई टू दट फोर आना चाहिए इधर इंटू लाग मारे पूरा देखो आंसर आ जाएगा एक्चुअली इधर फोर होना चाहिए बेटा ओके फोर इंटू लाग मार्ड इधर तो एक्स थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू हो जाएगा टू सो इधर एक्चुअली फार्मूला याद रखना बेटा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करके वन बाई टू ए सॉरी वन बाई टू ए मतलब कितना कैंसिल हो जाएगा बराबर आना चाहिए ओके चलो राइट बेटा आगे बढ़ते एग्जाम्पल थ्री अब देखो इसका इंटीग्रेशन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब भी आपको क्वेश्चन में ओनली एक्स स्क्वायर एंड एक्स पावर फोर दिख रहे ओनली एक्स स्क्वायर एंड एक्स पावर फोर याद रखना एक्स नहीं होना चाहिए एक्स क्यूब भी नहीं होना चाहिए तो सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स पॉवर फोर दिख रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन में क्या करने का हाइयर पॉवर को आप कुछ नहीं कर सकते तो इसको मैंने लोअर पावर में कन्वर्ट करने के लिए एक्सो स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए करने के बाद ये सब्सटूशन लगेगा एक्स माइनस वन बाय एक्स कभी कभी इधर बीच में माइनस की जगह पर प्लस की जगह पे माइनस आया तो इधर एक्स प्लस वन बाय एक्स इसी टी सब्सटूशन लेना चाहिए चलो आगे देखते इसका कैसे करना देखो पहला मैंने क्या किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म को एक्सो स्क्वायर से डिवाइड किया ए बन जाएगा एक्सो स्क्वायेयर को डिवाइड करे तो

देखो ये जो one plus one किसका था? एक्स वन प्लस so, टी लिए तो वन प्लस मतलब न्यूमरेटर सेट लोग अभी डिनोमिनेटर को सेट करना है टी का में देखो इधर एक्स स्क्स बाई एक्स स्क् ए कैसे आता है इसको स्क्वायर करे तो करो ए स्क्र प्लस बी स्क्र आ जाएगा ओके देखो इधर मैं कर रहा हूं तो इसको सिंप्लीफाई कर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा बनेगा, तो एक्स वैल्यू हो जाएगा टी वन है तो टोटल 3 हो जाएगा, उसको हमने ऐसे लिख सकते देखो इधर मैंने लिख दिया था ओके सो टी स्क्स थ्री को मैंने लिख रहा हूँ रूट थ्री का होल स्क्वायर ठीक है चलो अभी वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वन अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए था

तो उसमें रूट में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वो वाला फार्मुलस लगेगा सेम देखो न्यूमरेटर को क्या करने का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ए इंटू डिनिनेटर का डेरिवेटिव प्लस बी और इससे ए बी वैल्यूस पता चलेगा हाँ और वो भी नहीं करना है तो आपको क्या करने के लिए बोला था डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में सेट करो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स प्लस वन देखो टू एक्स प्लस वन लिया इधर टू एक्स प्लस थ्री था तो कितना बचा टू बचा टू को बाहर लेके जाओ बस सिंपल है इसमें ये सारे कहानी करने की जरूरत नहीं है

उसको तो ऐड करके सब्रैक्ट करना था तो वन बाई फोर ऐड किया सब करें तो वन माइनस वन बाई फोर हो जाएगा फोर, उसको लिख सकते, रूट थ्री बाई टू का मैंने ऐसा लिख सकता हूं स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर अब देखो वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर है तो इसका आपको फार्मूला है लाग मार्ड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्वायर है देखो लाग मार्ड एक्स की जगह प्लस वन बाई टू

3 X 3 X हो जाएगा तो अभी ये सेम तो सेम है, को क्या करने का ए इंटू डी सेम प्रोसीजर करते आगे इधर अब देखो थ्री माइनस एक्स को हमने क्या करने का ए इंटू ऐसा लिखा वरना आपको इधर बोला था इसका देखो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा वन माइनस टू एक्स है इधर देखो थ्री माइनस एक्स है तो उसको सेट करना है तो थोड़ा मुश्किल है तो वो वाला सिचुएशन में आपको तो ए मेथड फॉलो करो अब देखो ए को सिंप्लीफाई कर तो ए वैल्यू मुझे आया वन अपॉइंट टू देखो कंपेयर करो तो इधर ए वैल्यू देखो माइनस टू ए इंटू एक्स कर आ जाएगा इधर आ जाएगा माइनस वन माइनस टू ए इज माइनस वन करे तो ए वैल्यू वन बाई टू और कांस्टेंट देखे तो इधर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी इधर कांस्टेंट देखे तो थ्री है ए प्लस बी वैल्यू थ्री है सो बी वैल्यू हो जाएगा फाइव बाई टू क्योंकि थ्री माइनस वन बाई टू दैट इज फाइव बाई टू ए बी आ गया अभी तो आगे इसमें से रख दो देखो ये क्वेश्चन था इसको हमने रेशनलाइज करा तो ये फंक्शन आया इसको हमने ए इंटू ए इंटू वन माइनस टू एक्स प्लस बी सेट किया देखो ए वैल्यू तो वन वन बाई टू था देखो वन बाई टू इंटू वन माइनस टू एक्स अपन रूट प्लस बी वैल्यू कितना था फाइव बाई टू देखो फाइव बाई टू इंटू एस किया अब देखो इधर एफ डैश ऑफ एक्स बाई रूट एफ एक्स टू रूट था देखो फाइव बाई टू इंटू इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करो देखो ये दोनों में से मैंने, मैंने माइनस कामन लिया तो माइनस कामन लिए तो मुझे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इधर देखो टू इंटू वन बाई टू सो टू से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर तो बी वैल्यू वन बाई टू हो जाएगा तो वन बाई टू का स्क्वायर को ऐड करना सब करना तो वन बाई फोर को ऐड किया सब्रैक किया तो माइनस हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो by four, कितना हो जाएगा? 25 by हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते देखो ए ट्वेंटी फाइव बाई फोर को मैंने लिखा था फाइव बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई टू का square, बाकी बेटे, हो जाएगा। आगे देखते हैं आ, अब देखो ये तो एज लिखा फाइव बाई टू इंटू ये पूरा वैल्यू आगे ठीक है ए हो गए साइन इनवर्स एक्स कितना था इधर एक्स माइनस वन बाई टू था बाई ए कितना था फाइव बाई टू समझा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क् था साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो ये फार्मूला लगा दिया प्लस सी हो गए बस अभी सिंप्लीफाई कर इसको सिंप्लीफाई कर तो टू एक्स माइनस वन अपन फाइव आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा बस सो थैंक यू स्टूडेंट्स सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आपका फ्रेंड्स को सभी को सब सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए सो थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो